राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली सबसे पहले दिल से और हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हूं मैं कि मुझे आप सभी का साथ मिला और बहुत ही प्यार के साथ और पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ आप मेरा साथ निभाते जा रहे हैं मैं भी पूरी पूरी कोशिश करूँगी जो विश्वास है कभी टूटने ना दू आपसे कभी भी झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े इतनी हिम्मत मेरे अंदर रहे कि आपसे मैं हमेशा सच बोल सकूँ भगवान मुझे उस लेवल पे कभी भी ना पहुंचाए जो मैं आपसे दूर हो सकू तो चलिए ये तो हुई मेरे दिल की बात बाकी आगे बात करती हूँ आपके दिल की और आपके काम की जिसलिए मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ आज आपको थाली की एक कितनी अच्छी रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि आपने सोचा ही नहीं होगा सबसे शुरू में मैंने थोड़ी सी सोयाबड़ी को भिगो दिया है आपने देखा है उसके बाद यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी लाल वाली मसूर की दाल ले ली है इसमें मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से रगड़ लिया है इस वाली दाल के ऊपर सबसे ज़्यादा पाउडर सा लगा होता है जिसको हमें भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए और बाद में रगड़ रगड़ के धो के अच्छे से दाल को बनाना चाहिए तो चलिए यहाँ पर ये मैंने एक भगोना ले लिया है और इसमें पानी डाल दिया है पानी को हल्का सा ही गर्म हो जाने के बाद हम ये दाल यहाँ पे डाल देते हैं दाल को मैंने चार पाँच बार बहुत अच्छे से धो लिया है लेकिन अभी मैं इसमें कोई भी हल्दी नमक मिर्च नहीं डालूंगी इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूंगी उसके बाद मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी टमाटर को कट कर दूंगी मुझे अच्छे लगते हैं देसी टमाटर जिनमें हल्का सा खटास होता है लेकिन आजकल मार्केट में आ रहे हैं ये थोड़े से हाई ब्रेड टमाटर इनमें गूदा कम होता है खट्टापन भी कम होता है तो ये सब्जी में थोड़े से ज्यादा ही डालने होते हैं मोटे मोटे से दो टमाटर काट लिए हैं दो हरी मिर्च भी काट ली है यहाँ पर देखिए मैंने आपसे बोला ना जो मसूर की लाल वाली दाल होती है इसके ऊपर सबसे ज्यादा केमिकल होता है तो धीरे धीरे जब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है वो केमिकल के रूप में आ जाता है, तो है साइड में हल्की सी यहाँ पर हमें हल्दी डाल देनी है और दाल को पकने के लिए छोड़ देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर ये मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और कटे हुए ये टमाटर और हरी मिर्च को डाल के इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेते हैं उसके बाद मैंने यहां पर ये पनीर ले लिया है तो मैं यहां पर सारे पनीर का इस्तेमाल तो नहीं करूंगी आधे का ही करूंगी क्योंकि ये है आधा किलो से ज्यादा पनीर इतने की मुझे जरूरत नहीं है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूं ऐसे ही रफली मुझे जल्दी होती है मैं तो जैसा देखती हुई हिसाब ऐसी कटिंग कर लेती कोई स्पेशली दिखाने के लिए आपको नहीं करती हु कटिंग आप अपने हिसाब से जैसी भी चाहे आप कर सकते हैं तो ये बिल्कुल आज अच्छा पनीर मिल गया था मतलब घर पे नहीं बनाया हुआ ये है बाजार का ही पनीर घर पे दूध मिल रहा है नहीं तो पनीर वगैरह मैं घर पे ही बना लेती हूँ तो आजकल दूध की बहुत दिक्कत हो रही है हमारे गांव में भी मुझे मिल ही नहीं रहा है बच्चों को दूध पिलाना ही मुश्किल हो रहा है तो पनीर कहाँ से बनाऊ नहीं तो मुझे घर पे ही बनाना था ये पनीर दाल भी हमारी लगभग में आधी बन ही चुकी है कढ़ाई रख दिया है यहाँ पे डाल देते हैं एक दो छोटा चम्मच के जितना सरसों का तेल गरम होते के साथ ही एक छोटा चम्मच जीरा और थोड़े से सरसों के दाने डाल देंगे जैसे ही दोनों चीज चटक जाएगी हम यहाँ पर दो हरी मिर्च को बीच में से काट के डाल देते हैं और उसको हल्का सा चटका लेते हैं उसके बाद तैयार किया हुआ मिर्च और जो टमाटर का पेस्ट बना के तैयार किया था वो यहाँ पे हम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी मटर के दाने डाल देते हैं तो आजकल फ्रेश मटर मार्केट में नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर ये फ्रोजन यानी के सफल मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ मुट्ठी भर मैंने यहाँ पर ये दाने डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा चम्मच नमक डाला है एक आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर जितनी जरूरत टमाटर में थी नमक की इतना मैंने नमक डाला है कम ही रखिएगा जरूरत पड़े तो बाद में भी डाल सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे यानी कि चार से पाँच मिनट के लिए इसको कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है जब तक इसमें तेल ऐसे सेपरेट हो गए ऊपर ना आने लगे और ये अच्छे से पकना जाए तो जब ये पकने वाली स्टेज पे यानी कि जो तेल है हमारा रिलीज होने लगेगा इस टमाटर की प्यूरी से तो हम यहाँ पर एक चम्मच के जितना एकदम फ्रेश मलाई डाल देंगे और इसको पका लेंगे अब जैसे हम यहाँ पर मलाई डालेंगे तो मसालों का जो भुनने का टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा यानी छह से सात मिनट लग जाएगी जो मलाई है वो मेल्ट भी होगी उससे घी भी रिलीज होगा तो सभी मसाले अच्छे से पकने के बाद हम पर तैयार की हुई दाल डाल देंगे दाल करीब यहाँ पर तीन चौथाई पक चुकी थी लेकिन अभी अच्छे से मिक्स नहीं होती मिक्स होगी वो यहाँ पे तो चलिए इसको पक जाने देते हैं करीब चार से पांच मिनट के लिए एक पैन रख लेते हैं और इसमें हम डाल लेते हैं एक छोटा चम्मच के जितना घी और घी को हल्का सा ही गर्म हो जाने देते हैं अब ये जो सोया बड़ी है ये भी बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो चुकी है तो इनको हमें टाइट करके हाथों से निचोड़ देना है और इनको हल्का हल्का सा हमें फ्राई करना है तो मैं यहाँ पर सारी सोया बड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ आगे पुलाव में भी मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ तो थोड़ी ही सोया बड़ी मैंने यहाँ पर ले ली है और इनको करीब एक से डेढ़ मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेते हैं अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं इनको फ्राई करना मतलब अच्छा मानते हैं या पसंद करते हैं कुछ लोग बिना फ्राई के भी सब्जी में डाल लेते हैं साथ में मैंने यहाँ पर ये पनीर डाल दिया है और इन दोनों ही चीज़ों को करीब हमें तीन मिनट के लिए हल्के हाथों से चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेना है आप चाहे तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं मतलब डीप फ्राई मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप तेल में या घी में पूरा डीप करके इनको फ्राई करो यहाँ पर एक दो चम्मच के जितना घी डाल के इनको फ्राई कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर केवल एक ही चम्मच घी का इस्तेमाल किया है बहुत ही हल्के में इनको फ्राई किया है और दाल भी हमारे यहाँ पर लगभग तैयार हो चुकी है और ये सोया बड़ी पनीर को यहाँ पे डाल देते हैं अब ये जो दाल है ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है बहुत ही ज्यादा सुपर टेस्टी लगती है आप इस दाल को बना के देखिएगा साथ में मैंने यहाँ पर ये चपाती बना ली है अच्छा मैंने यहाँ पर बनाए हैं पुलाव पुलाव में केवल मैंने सोयाबड़ी जो भिगो के रखी हुई थी उसी का इस्तेमाल किया है बाकी जो मटर पुलाव है इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं इसी वजह से मैंने आज पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है नहीं तो ऐसा लगता है वीडियो लंबी भी हो जाती है और आपको भी ऐसा लगेगा अनिता एक ही रेसिपी बार बार शेयर करती रहती है इसी वजह से नहीं की और कुछ भी नहीं आप अगर बोलो तो मैं दोबारे से शेयर कर दूंगी अब ये हमारी बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी और एकदम से हेल्थी थाली, थाली बनके तैयार हो चुकी है इस थाली में मैं सिंपली अपने फूल के ही बना रही हूँ नॉर्मल चपाती जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ आप चाहे तो इसके साथ पूरी भी बना सकते हैं पराठे भी बना सकते हैं बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तला भुना खाने से और भी ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है आप सभी जानते होंगे तो हाल आप मेरा देख ही सकते हैं आजकल ना घर में मेहमानों का आना जाना बहुत लग रहा है पूरा जून जा चुका है मतलब इस महीने में घर में इतने ज्यादा मेहमान आए हैं कि इस महीने का हमें पता ही नहीं लग रहा है कि कैसे ये एकदम छू मंत्र की तरह गायब हो चुका है बच्चों की छुट्टियां भी लगभग में खत्म हो चुकी हैं ठीक है थीके? और काम में हम इतना ज़्यादा बिजी रहे हैं कि हम कहीं जा भी नहीं सके सभी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं ना बट हम कहीं भी नहीं गए हैं छुट्टी मनाने घर में छुट्टी मनाई जा रही है क्योंकि सारे गेस्ट आ रहे हैं तो ये हमारी दाल सोया बड़ी और पनीर की सब्जी बन बिल्कुल तैयार है और खाने वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कुछ घर में जब गेस्ट आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग हमारा बिजी रहता है थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि ये हमारा काम है लेकिन उनको खाना भी टाइम पर चाहिए होता है तो चलिए फटाफट से मैं आपको ये थाली लगा के दिखा देती हूं उल्टी सीधी जैसी भी है और फिर उनको खाना दे देती हूँ तो वो तो गई हमारी पनीर दाल की सुपर टेस्टी सब्जी ये आया हमारा पुलाव एकदम सिंपल पुलाव बनाया है जैसे कि चावल है चावल को भिगो के रख दिया था उसके बाद तेल डाल के थोड़े सरसों के दाने थोड़े से जीरे के दाने डाल के मैंने थोड़ी सी सोयाबड़ी को भून लिया था उसके बाद चावल डाल के डेढ़ गुना पानी डाल के एक सीटी लगा दी थी बहुत इजी है इस पुलाव को बनाना तो चलिए थाली मैंने लगा दी है आपकी और इधर बच्चे देखिए खाने के लिए बैठ चुके हैं और हमें भी बहुत तेजी से भूख लग रही है रात के करीब 9 बज चुके हैं मुझे ये काम करते करते तो चलिए फ्रेंड्स हम कर लेते हैं जरा अपने खाने को एंजॉय। यह है मेरी मम्मी पहली बार आपको देखने के लिए मिल रही होगी मेरी वीडियो में शॉर्ट वीडियो में तो मम्मी की क्लिप शेयर कर चुकी हूँ लेकिन इस तरीके से आज ही कर रही हूँ तो राधे राधे दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे मैं